कांग्रेस नेता राहुल गांधी इस वक्त अपने दफ्तर से निकले हैं और ये आप देख रहे हैं उनके साथ बाकी कांग्रेस कार्यकर्ताओं और नेताओं का समूह कांग्रेस दफ्तर में इस वक्त जमा है। किसानों का मुद्दा जो बीते 29 दिन से सिंघू बॉर्डर पर आंदोलन की शक्ल में दिखाई दे रहा है, उसी मामले को लेकर राहुल गांधी की अगुवाई में राष्ट्रपति से मुलाकात का यह कार्यक्रम है। मार्च करके जाना चाहते थे, हालांकि अभी तक जो खबर आ रही है उसके हिसाब से मार्च की परमिशन अनुमति नहीं मिली है। 2 करोड़ हस्ताक्षर का ज्ञापन राष्ट्रपति को कांग्रेस नेताओं का समूह सौंपना चाहता है, जिसकी अगुवाई राहुल गांधी कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी लगातार सरकार को ये कहते हुए घेर रही है कि जिस तरह से ये बिल पास करवाया गया, अध्यादेश लाया गया, किसानों को भरोसे में नहीं लिया गया, ये किसानों के खिलाफ है कानून, और इसीलिए आज मुलाकात का ये कार्यक्रम भी। आनंद शर्मा, गुलाम नबी आजाद, तो वरिष्ठ नेता कांग्रेस के इस वक्त आपको इस समूह में दिखाई दे रहे हैं। राष्ट्रपति से मुलाकात का ये कार्यक्रम है। इससे पहले कांग्रेस शासित राज्यों में इस कानून के खिलाफ प्रस्ताव भी विधानसभा से पास किया गया, चाहे पंजाब हो, राजस्थान या छत्तीसगढ़। और लगातार कांग्रेस इस मामले पर मुखर रही है, लेकिन आज राष्ट्रपति से मुलाकात के लिए कांग्रेस नेताओं का ये दल कांग्रेस दफ्तर से निकल रहा है। 29 दिन हो गए हैं बॉर्डर पर किसानों को बैठे हुए। तो ये खबर सामने आ रही है, कांग्रेस नेताओं को विजय चौक जाने की इजाजत नहीं दी गई है। नई दिल्ली इलाके में कोरोना की वजह से धारा 144 लागू है और इसी वजह से ये अनुमति नहीं मिल पाई है। हालांकि 3 नेता राष्ट्रपति भवन जा सकते हैं, यानी मार्च जो एक प्लान था, मार्च करते हुए राष्ट्रपति भवन तक पहुंचना और कृषि कानून में के खिलाफ जो ये एक तरह का सांकेतिक प्रदर्शन, जिसे देश के शीर्षतम संवैधानिक पद यानी राष्ट्रपति के दहलीज तक कांग्रेस पार्टी ले जाने की कोशिश कर रही थी, हालांकि मार्च की इजाजत नहीं मिली है, लेकिन 3 नेता जाकर मुलाकात कर सकते हैं। और इसी को लेकर कांग्रेस दफ्तर में इस वक्त तमाम नेता, कार्यकर्ता, समर्थक आपको दिखाई दे रहे हैं। और दूसरी तरफ आपको हम सिंघू बॉर्डर से भी वो तस्वीरें दिखा रहे हैं। आंदोलन का ये 29वां दिन, बातचीत के कई दौर अब तक विफल रहे हैं। सरकार की तरफ से कहा गया है संशोधन के लिए तैयार हैं, लेकिन अभी तक कोई नतीजा या बातचीत का रास्ता नहीं निकला है, जबकि मामला सुप्रीम कोर्ट तक जा पहुंचा है। आनंद पटेल जुड़ गए हैं हमारे साथ और जानकारी के साथ। आनंद, क्या अभी हलचल है वहां पर? राष्ट्रपति से मुलाकात करने कौन जा रहा है? खबर तो ये आ रही है कि अनुमति नहीं मिली है तो सिर्फ 3 नेता जा सकते हैं। बिल्कुल, देखिए जो बसेस अंदर लगाई गई थी, 2 बसें हैं ये, आप देखिए बसें AICC के अंदर लगाई गई थी, ये दोनों बसें अब जो हैं बाहर आ रही हैं और AICC का जो एंट्री पॉइंट है इसको बैरिकेड कर दिया है पुलिस ने। आप देखिए चारों तरफ बैरिकेड लगा दिए हैं, सिर्फ ये बस निकाल रहे हैं। तो अब ऐसा लग रहा है कि जो MPs का डेलीगेशन मार्च करना था विजय चौक से राष्ट्रपति भवन, वो अब उसके लिए ये बसों की परमिशन नहीं है, MPs वहां तक नहीं जा पाएंगे। शायद सिर्फ 3 लोगों का डेलीगेशन ही जाएगा ऐसा लग रहा है, क्योंकि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी आ चुके हैं अपने कक्ष में 10 जनपद से AICC की तरफ। कुछ ही देर में जो है ये स्थिति साफ होगी, क्योंकि पुलिस ने कह दिया है साफ तौर से कि धारा 144 लगी हुई है दिल्ली के अंदर और किसी भी तरीके का मार्च, प्रदर्शन या धरना अलाउड नहीं है, उसकी परमिशन नहीं है। इसलिए अब ये लगता है कि जो कांग्रेस पार्टी के MPs अंदर गए हैं सारे, उनमें से कुछ ही लोग इस डेलीगेशन का हिस्सा बन पाएंगे। आनंद, ये बताइए कि जो ज्ञापन राष्ट्रपति को सौंपना चाहते हैं कांग्रेस के नेता, वो ज्ञापन क्या है? 2 करोड़ हस्ताक्षर की बात आ रही है, किसके हस्ताक्षर है, क्या मुहिम जो है कांग्रेस पार्टी की तरफ से चलाई गई? मीडिया अंदर जाने दो, मीडिया जाने दो, मीडिया जाने दो, मीडिया जाने दो। आनंद पटेल हमको लगातार ये लाइव तस्वीरें ही दिखा रहे हैं कांग्रेस दफ्तर से, इस वक्त दफ्तर के भीतर दाखिल होने की कोशिश। जी आनंद, जो ज्ञापन सौंप रहे हैं राष्ट्रपति को, क्या है उस ज्ञापन में? मैं आपको दिखाना चाहता हूँ तस्वीरें। जी ये देखिए, आपको पहले तस्वीरें दिखा दूं कि ये जो बैरिकेडिंग है ये पूरी कर दी गई है। आप देखिए जो एंट्री पॉइंट है कांग्रेस पार्टी का, सिर्फ मीडिया को अंदर अलाउ किया गया है, बसेस को बाहर निकाल दिया है, पूरा डेलीगेशन जो है उसे रोक दिया गया है, आप देख सकते हैं। और अब ऐसा सिचुएशन ये है, आप देख सकते हैं कि जो
कांग्रेस पार्टी के नेता हैं वो अंदर बैठे हुए हैं। आप देखिए ये लाइव तस्वीरें कांग्रेस पार्टी के जो मैदान है मुख्यालय का, यहाँ पे तो तमाम जो नेता हैं एमपीज हैं वो बैठे हुए हैं। राहुल गांधी आपको दिख रहे हैं और प्रियंका गांधी बैठी हुई हैं, राहुल गांधी बैठे हुए हैं और तमाम वरिष्ठ नेता जो हैं यहाँ पे मौजूद हैं। साथ ही में आप देख सकते हैं जो तख्तियाँ हैं जो कांग्रेस नेताओं को लेके यहाँ से जाना था वो तख्तियाँ भी यहाँ मौजूद हैं। आप देख सकते हैं जो बैनर लेके चलना था कांग्रेस नेताओं को वो भी यहाँ मौजूद है। तो अब ये देखना होगा कि ये जो तमाम तैयारी है ये क्या अंजाम तक पहुँचती है, क्या कांग्रेस नेता यहाँ से निकलने की कोशिश करते हैं या फिर सिर्फ अब जो तीन नेताओं का डेलीगेशन है वही जाएगा राष्ट्रपति भवन की तरफ। तो काफ़ी हाई वोल्टेज ड्रामा है यहाँ पे AICC पे और अब देखना होगा कि किस तरह का फैसला कांग्रेस आला कमान और कांग्रेस नेता लेते हैं। राष्ट्रपति भवन पर इस वक्त मौसमी भी मौजूद हैं, हमारे साथ जुड़ गई हैं मौसमी। मौसमी वहां पर पहुंचने का कार्यक्रम तो था लेकिन अनुमति नहीं मिल पाई है, शायद कुछ सिलेक्टिव लोग ही वहां तक पहुंच पाएंगे। कांग्रेस के नेता ज्ञापन सौंप रहे हैं, क्या है इस ज्ञापन में? देखिए विजय चौक पे हम आपको ये तस्वीर दिखाते हैं मीनाक्षी, और जो कांग्रेस है वो लगातार किसान आंदोलन से जुड़ने की कवायद में है। किसान कानून को लेके पहले वो तमाम विपक्षी पार्टियों के साथ राष्ट्रपति के पास गई थी और अब एक बार फिर से वो तमाम लगभग 2 करोड़ हस्ताक्षर है जिनको लेके इसी रास्ते से कांग्रेस के आलाकमान नेताओं को जाना था राष्ट्रपति से मिलने पर। जिस तरह से लगातार ड्रामेटिक मोड़ आ रहे हैं, सुबह से धारा 144 लगी है, यहाँ पे भी आप देखिए तो काफी सख्ती है, काफी बैरिकेड्स है, उससे ऐसा ही लगता है कि शायद 2-3 ही नेताओं को अनुमति मिलेगी विजय चौक भी से आगे भी जाने की, क्योंकि अमूमन ये लोग ऊपर चलते हुए जाते हैं और राष्ट्रपति भवन से फिर भीतर जाते हैं। पर ऐसा लग रहा है कि सिर्फ 2-3 नेताओं को अनुमति मिलेगी। बहरहाल पूरे प्रदेश से, तमाम प्रदेशों से हस्ताक्षर कांग्रेस पार्टी ने इकट्ठा किए हैं किसानों के इस पूरे काले कानून, जिस तरह से विपक्ष इसको बुला रहा है उसके खिलाफ। उनका ये कहना है कि ये कानून राष्ट्रपति साहब जो है उसको अनुमति जो दी है वो वापस ले, क्योंकि किसान जो है वो सड़क पर है और लगातार इस कड़ाके की सर्दी में ये आंदोलन जो है तमाम लोग इससे जुड़ रहे हैं। बहरहाल कांग्रेस पार्टी इस बारी राहुल गांधी के नेतृत्व में जा रही है राष्ट्रपति से मिलने, देखते हैं कि उससे पहले किस तरह से क्या बाकी नेताओं को जाने दिया जाता है, क्योंकि इस रास्ते से तमाम कांग्रेस नेता आएंगे। अगर मार्च करने की अनुमति मिलती है तो इस रास्ते से वो लोग। बीच हम ये कांग्रेस दफ्तर से भी तस्वीरें दिखा रहे हैं जिसमें आप राहुल गांधी को देख रहे हैं, बाकी कांग्रेस के जो वरिष्ठ नेता हैं वो उनके साथ यहाँ पर मौजूद। अब देखना यह है कि अनुमति क्योंकि नहीं मिली है तो ऐसे में कितने नेता अब जाते हैं। एक ज्ञापन है जो कांग्रेस पार्टी सौंपना चाहती है राष्ट्रपति को, इस ज्ञापन में 2 करोड़ किसानों के हस्ताक्षर हैं और एक हस्ताक्षर अभियान जो कांग्रेस पार्टी की तरफ से चलाया गया जिसमें 2 करोड़ किसानों के हस्ताक्षर जुटाए गए हैं और इसके साथ ये ज्ञापन कृषि कानून का विरोध करते हुए कांग्रेस पार्टी आज राष्ट्रपति को सौंपेगी। लगातार कांग्रेस पार्टी कृषि कानून का विरोध कर रही है, आंदोलन पर किसान बैठे हैं, उन्हें पुरजोर समर्थन दिया कांग्रेस शासित राज्यों में भी। एक तस्वीर देखी, प्रियंका गांधी को आप इन तस्वीरों में देख रहे हैं, आनंद शर्मा, गुलाम नबी आजाद, तमाम बड़े नेता वहां पर इस वक्त कांग्रेस पार्टी के मौजूद और एक बड़ा संदेश देने की कोशिश कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी की तरफ से है। आनंद पटेल कांग्रेस दफ्तर पर ही लगातार मौजूद हैं। आनंद, हम देख रहे हैं कि एक ही बड़े गोल घेरे में तमाम नेता बैठे हुए हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी हो रहा है, मास्क वगैरह लगे हुए हैं, लेकिन बातचीत क्या हो रही है? देखिए अब कोशिश यही हो रही है कि किस तरीके से ये जो प्लान था कि विजय चौक पे सारे नेता 10:45 बजे इकट्ठा होंगे और 11:30 बजे राष्ट्रपति से मिलने का समय था डेलीगेशन का। कुल मिला के तैयारी बहुत मुकम्मल थी। आप देखिए तमाम जो नेता हैं वो यहाँ पहुँच चुके हैं, जो इनके पोस्टर हैं, जो बैनर हैं वो यहाँ पहुँचे हुए हैं, लेकिन सवाल ये है कि अब यहाँ से कितने नेता बाहर जा पाएंगे, क्योंकि बाहर जो है पुलिस ने बैरिकेड लगा दिया है। थोड़ी देर पहले एक पोस्टर भी लगा दिया था जिसमें लिखा गया था साफ तौर पे कि धारा 144 लगी है दिल्ली में कोरोना एपिडेमिक के चलते। तो अब इनमें से कितने नेता जाएंगे ये देखना होगा, क्योंकि राष्ट्रपति से मिलने का समय को अलाउ कर दिया गया है बिकॉज उनको राष्ट्रपति भवन से परमिशन है, सो दे आर अलाउड। तो पुलिस ऑफिसर की आप यहाँ पे स्टेटमेंट सुन रहे थे, वो कह रहे हैं कि राष्ट्रपति भवन से अनुमति मिली हुई है इसलिए उन्हें राष्ट्रपति भवन तक जाने की इजाजत है पुलिस की प्रशासन की तरफ से भी।
लेकिन कोरोना संक्रमण और प्रोटोकॉल्स को देखते हुए पूरा समूह जिनमें संख्या ज्यादा होगी शायद वैसा ना हो पाए और ऐसे में कुछ चुनिंदा नेता ही वहां पर जाकर ज्ञापन सौंपेंगे राष्ट्रपति को। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, कांग्रेस नेताओं का समूह राष्ट्रपति भवन की तरफ मार्च करना चाहता है लेकिन अनुमति कोरोना प्रोटोकॉल की वजह से नहीं मिली। 2 करोड़ किसानों के हस्ताक्षर वाला एक ज्ञापन राष्ट्रपति को सौंपना मकसद, किसान आंदोलन को पूरा समर्थन कांग्रेस पार्टी की तरफ से और कृषि कानून के विरोध में राहुल गांधी किसानों का प्रतिनिधित्व करते हुए वहां जाना चाहते हैं। और इस बीच कांग्रेस दफ्तर से भी आप ये तस्वीर देख रहे हैं जहां पर मंथन ये हो रहा है कि कितने लोग अब मिलने जाएंगे राष्ट्रपति से। एक ब्रेक के बाद फौरन लौट रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओमकश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।